टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिकल कल्चर। हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है। कल्चर बेसिकली इज शेयर्ड वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स, बिहेवियर्स पीपल जनरली हैव इन दिस सोसाइटी। अब यही आइडियाज, वैल्यूज, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स अगर अवाम के उनके पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ हों तो उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर। तो जनरली हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली इज एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, आइडियाज, बिहेवियर्स, वैल्यूज और ओरिएंटेशन। पॉलिटिकल कल्चर इज एटीट्यूड्स, फीलिंग्स, आइडियाज, बिहेवियर्स, वैल्यूज एंड ओरिएंटेशंस दैट पीपल हैव अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये तो है जनरल पॉलिटिकल कल्चर को अगर हम डिफाइन करें तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन है। नाउ हेयर इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर बाय आमंज। आमंज के मुताबिक पॉलिटिकल कल्चर दो तरह से डिफाइन किया गया है। नंबर वन, पॉलिटिकल कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। बाय पॉलिटिक्स वी जनरली मीन पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें आपके एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, वो पार्टी है जो मेजोरिटी वोट के साथ सिस्टम में बैठी हुई है, प्लस ओवरऑल क्या सिस्टम है, इनपुट कैसे आ रही है सिस्टम में। इनपुट से मतलब होता है अवाम के डिमांड्स एंड नीड्स, और वो इनपुट के मुताबिक पॉलिसी मेकिंग आउटपुट में कैसे कन्वर्ट हो रही है और अवाम का क्या फीडबैक है। सेकेंडली, पॉलिटिक्स से जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल कल्चर में इसका ये भी मतलब है कि अवाम की लेवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितनी है। उसमें अवाम का खुद का रोल भी होता है। कुछ कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, सिटीजन्स आर मोर एक्टिव इन पॉलिटिकल सिस्टम, जबकि कुछ कंट्रीज जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे सिटीजन्स आर नॉट मच एक्टिव इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम। सेकेंडली, इट डिपेंड्स कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। लिबरल डेमोक्रेसी है, अथॉरिटेरियनिज्म है, एलिटिज्म है, वेदर जो पॉलिटिकल सिस्टम इज अलाउंग यू टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम और नॉट। तो ये चीजें अल्टीमेटली पॉलिटिकल कल्चर को शेप करती हैं। तो सेकंड डेफिनेशन आमंज के मुताबिक, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशंस टू पॉलिटिकल एक्शंस कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। ये पॉलिटिकल एक्शंस क्या हैं? जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकिंग कर रही है उस पॉलिसी मेकिंग को इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है, ठीक है, अवाम की राय की कितनी अहमियत है, अवाम का क्या पब्लिक ओपिनियन है अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिसीज मेड बाय दैट सिस्टम। तो आमंज के मुताबिक हर पॉलिटिकल सिस्टम एम्बेडेड है इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन। अब हमने समझना यह है कि ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन बेसिकली वही जनरल व्यूज हैं, लोगों के एटीट्यूड्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर्स हैं, यानी आम अल्फाज में इसको हम समझे तो लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या हैं टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। अब ओरिएंटेशंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बनी बनाई होती हैं। आमंज एंड कोलमैन इन दोनों ने काम किया इसके ऊपर एंड दे स्टडीड दैट पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस जो हैं ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये डेवलप होती हैं किसी इंडिविजुअल में थ्रू आउट हिज और हर लाइफ। आमंज के मुताबिक वी डू नॉट इनहेरिट आवर पॉलिटिकल बिलीव्स, एटीट्यूड्स या ओरिएंटेशंस कह लें। इंस्टेड वी एक्वायर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसी भी इंसान की तब स्टार्ट होती है जब वो इस दुनिया में आता है और वो इस एज पे पहुंचता है कि उसमें शऊर पैदा होता है। पहली ओरिएंटेशन कहाँ से होती है? आपकी फैमिली से। फैमिली से ओरिएंटेशन होती है, फिर आप स्कूल जाते हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन, फिर आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स हैं, फिर मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंपेन। तो ये सारी चीजें आपका नॉलेज बिल्डअप करती हैं अबाउट योर पॉलिटिकल सिस्टम।
पहले आपके व्यूज इमेच्योर होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मेच्योर होते जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के थ्रू आपकी ओरिएंटेशंस डेवलप हो रही होती हैं टुवर्ड्स पॉलिटिकल कल्चर। वेस्पी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आर्मंड के साथ ही पॉलिटिकल कल्चर पे काम किया। अकॉर्डिंग टू वेस्पी, पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस के ऊपर बेस करता है, और पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस कैसे शेप होती हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस थ्री टाइप्स की होती हैं। अब ये टाइप समझने के बाद आप खुद को स्केल कर सकते हैं कि आपकी क्या ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स योर पॉलिटिकल सिस्टम। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। नंबर वन इज कॉग्निटिव ओरिएंटेशन। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन बेसिकली इज नॉलेज बेस्ड, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस। यानी आपकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम अगर कॉग्निटिव है तो इट मींस कि ये आपका जो नॉलेज है अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, अबाउट जनरली कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, आपका नॉलेज प्लस आपका एक्सपीरियंस। आपका अगर डिक्टेटरशिप में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो आप यही कहेंगे कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप ज्यादा अच्छी है। अगर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो यू विल फेवर प्रेसिडेंशियल नॉट पार्लियामेंट्री। तो किसी भी इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है प्लस उसका जो नॉलेज होता है, उसका जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, वो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन होता है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अयूब खान के दौर में, ऑल्दो दैट वॉज एरा ऑफ डिक्टेटरशिप, प्रेजिडेंशियल डिक्टेटरशिप, लेकिन उस टाइम पे पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो काफी अच्छी हुई, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। तो अभी भी कुछ जो पुराने लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनसे पूछें तो वो यही कहते हैं कि वो दौर बहुत अच्छा था। तो कॉग्निटिव ओरिएंटेशन कैसे शेप होती है, आपका जो एक्सपीरियंस है एज वेल एज योर नॉलेज, ये दोनों चीजें आपकी ओरिएंटेशन शेप करती हैं। देन कम्स इफेक्टिव ओरिएंटेशन। इफेक्टिव जिस तरह नाम से जाहिर है, तो इट इज बेसिकली इमोशंस, अटैचमेंट। यहां पे किसी लीडरशिप का या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का जो कैरिज्मा है, जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफेक्टिव ओरिएंटेशन इस तरह से शेप होती है, आप किसी पर्टिकुलर लीडर के साथ अटैच्ड हैं, आप उसकी पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं देखते कि उस पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी है, आप सिर्फ उस पार्टी के या उस लीडर के ऑरा के साथ, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कैरिज्मा के साथ जाते हैं। तो ये होती है इफेक्टिव ओरिएंटेशन, फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, एसोसिएशन। जिस तरह से अभी भी लोग कहते हैं भुट्टो के नाम पे, भुट्टो आज भी जिंदा है, और बीबी से मोहब्बत, और ये सब चीजें बेसिकली इज योर इफेक्टिव ओरिएंटेशन, जिनको आप कहते हैं कि ये आपकी पार्टी के जियाले हैं। तो आपकी ओरिएंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ योर इमोशनल अटैचमेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव ओरिएंटेशन। देन कम्स इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन। इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन बेसिकली इज परफॉर्मेंस बेस्ड। ये ज्यादा होती है पढ़े लिखे लोगों में, जहां पे आप पॉलिटिकल, आपका जो पॉलिटिकल बिलीफ है, पॉलिटिकल आइडिया है, या जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है आपकी, वो ऐसे शेप होती है जब आप पॉलिटिकल सिस्टम की परफॉर्मेंस के बेस पे उसको इवेल्युएट करते हैं। आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर पसंद करते हैं और आप उसको वोट कास्ट करते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में लेके आते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसको जज करते हैं। उस जजमेंट के बाद आप अपनी ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड इवेल्युएशन जो है, ये ज्यादा वही लोग कर सकते हैं जो कि अंडरस्टैंड करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को, जो कि पढ़े लिखे हैं, और ये ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये ओरिएंटेशन होती है। पाकिस्तान में अब हम ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन। हम पॉलिटिकल सिस्टम की वर्किंग को, उसकी परफॉर्मेंस को जज करके, एनालाइज करके अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन उसकी फेवर या डिसफेवर में शेप करते हैं। तो ये होती हैं तीन पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस, जो कि कलेक्टिवली अगर हम कहें
तो किसी भी सोसाइटी का पॉलिटिकल कल्चर शेप कर रही होती हैं। नाउ हेयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, और पॉलिटिकल कल्चर के ये जो फोर टाइप्स हैं ये आपको गेब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्बा। पॉलिटिकल कल्चर को अगर हम उसकी टाइप्स को डिवाइड करें तो हमें जनरली फोर टाइप्स मिलते हैं। नंबर वन इज पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। अब जो हमने ओरिएंटेशन स्टडी की थी उन्हीं की बेसिस पे ये पॉलिटिकल टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पे पीपल हैव लो ओरिएंटेशंस, या हम कह लें कि नो ओरिएंटेशंस, यानी लोगों का कोई व्यू पॉइंट नहीं होता अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम। सिटीजन्स हैव लो कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम। ये पेरोकियल कल्चर जो है ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज में होता है। व्हेन पीपल आर इनडिफरेंट टुवर्ड देयर पॉलिटिकल सिस्टम, यानी लोगों में इतना शऊर ही नहीं है कि उनके पास इतना नॉलेज ही नहीं है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, या लोगों के पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं। दे हैव नो नॉलेज, दे आर अनइन्फॉर्म्ड एंड अनअवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट, एंड दे टेक लिटिल और नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। सो व्हेन पीपल आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम एंड दे हैव लो और नो ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स देयर पॉलिटिकल सिस्टम, दैट टाइप ऑफ कल्चर इज कॉल्ड पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। ये आपको ट्रेडिशनल सोसाइटीज में देखने को मिलता था जब लोगों को पता ही नहीं था कि उनके पॉलिटिकल राइट्स भी हैं। अभी भी आपके जो देहाती इलाके हैं, गांव जिस तरह से हो गए, डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि ट्राइब्स की सूरत में रहते हैं, वहां पे लोगों को इतना शऊर नहीं है, वहां पे हम कह सकते हैं कि वो पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर है। इसी तरह से अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं, एशियन ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पेरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। देन सेकंड टाइप इज सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में देयर आर पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस, पॉलिटिकल ओरिएंटेशंस होती हैं, पीपल आर अवेयर ऑफ देयर पॉलिटिकल सिस्टम, बट अवाम का क्या है, पैसिव रोल है। सिटीजन्स आर वेल अवेयर एंड सिटीजन्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर गवर्नमेंट, बट दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो लोग यहां पे क्या है, सिटीजन्स आर सब्जेक्ट, यानी अवाम रोल प्ले करना चाहती है, पीपल हैव देयर ओरिएंटेशंस टुवर्ड पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, बट दे आर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम। पैसिव रिलेशनशिप है। अब सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर की अगर हम एग्जांपल को देखें तो ऐसी वो कंट्रीज जहां पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, अथॉरिटेरियनिज्म है, डिक्टेटरशिप है, या फिर कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें लोकल जो सिटीजन्स थे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता था, लेकिन उन लोगों को पूरा शऊर था, दे वर डिमांडिंग देयर पॉलिटिकल राइट्स। जिस तरह से मुस्लिम्स थे वो सब कॉन्टिनेंट पे अपना सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड कर रहे थे, लेकिन उनकी से जो है वो मैटर नहीं करती इन पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। ये पॉलिटिकल कल्चर आज के दौर में हमें चाइना में देखने को मिलता है, वेयर रोल ऑफ सिटीजन्स इज पैसिव, ओरिएंटेशंस हैं बट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, दे आर नॉट अलाउड। तो ये होता है सब्जेक्ट। देन कम्स पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर्स में सिटीजन्स का एक्टिव रोल होता है। बहुत एक्टिव होते हैं सिटीजन्स पॉलिटिकल सिस्टम में। डेविड ईस्टन का मॉडल अगर आप लोगों ने स्टडी किया है तो उसमें इनपुट लेवल है, आउटपुट लेवल है और फीडबैक है। तो अवाम का रोल इनपुट पे है, आउटपुट पे है, फीडबैक पे है।
यानी पॉलिटिकल सिस्टम की सारी फंक्शनिंग में अवाम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. सिटीजन्स आर वेरी एक्टिव इन पॉलिटिकल सिस्टम. सिटीजन्स हैव हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर गवर्नमेंट. और सिटीजन्स जो हैं वो इवेलुएटिव ओरिएंटेशन की बेस पे पॉलिटिकल चेंज भी लेके आ सकते हैं. तो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन्स 100% जो है वो इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में. ये पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पे फुल फ्लेज डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहां पे समझा जाता है कि है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो किसी भी कंट्री में उस तरह का एक्टिव रोल ऑफ सिटीजन्स अलाउ नहीं किया जाता जहां पे रिट ऑफ द स्टेट जो है वो कंप्रोमाइज हो. इनिशियली यही थ्री टाइप्स थे. लेटर ऑन एक नई टाइप ऐड हुई पॉलिटिकल कल्चर में जिसको हम कहते हैं सिविक पॉलिटिकल कल्चर. सिविक पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली इज अ ब्लेंड ऑफ पार्टिसिपेंट एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर. यानी सिविक पॉलिटिकल कल्चर के प्रोपोनेंट्स ये कहते हैं कि जो पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है उसमें पीपल बिकम सो पॉलिटिकली चार्ज्ड एंड पॉलिटिकली एक्टिव दैट दे बिकम अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी विच कैन अल्टीमेटली लीड्स टूवर्ड्स मोबोक्रेसी. तो सिटीजन्स को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अलाउ होनी चाहिए लेकिन एक हद तक. सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर. तो सिविक पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन्स टेक पार्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम बट दे कैन नॉट अपोज एवरी डिसीजन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. एट टाइम्स जो गवर्नमेंट है उसको ऐसे डिसीजन्स लेने पड़ते हैं जो ओवरऑल स्टेट के लिए बेहतर हैं लेकिन अवाम को वो डिसीजन पसंद नहीं आता. तो अगर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर हो तो रिट ऑफ द स्टेट कंप्रोमाइज हो जाती है. अवाम पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने नहीं देते, दे रेजिस्ट. तो इस सूरत हाल में डेमोक्रेसी को, स्टेट को, पॉलिटिकल सिस्टम की लेजिटिमेसी को खतरा होता है. तो सिविक कल्चर में आप अवाम को अलाउ करते हैं टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. अवाम को अलाउ करते हैं टू अवाम को अलाउ करते हैं कि वो अपनी इनपुट साइड पे अपनी डिमांड्स फॉरवर्ड करें. अवाम को अलाउ किया जाता है कि वो प्रोटेस्ट करें, अपराइजिंग्स करें, लेकिन अवाम पॉलिटिकल सिस्टम के हर डिसीजन को चैलेंज नहीं करता. अगर अवाम करते भी हैं चैलेंज तो पॉलिटिकल सिस्टम में इतनी लेजिटिमेसी या इतनी रिट होती है कि वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे. सो सिडनी वर्बा के मुताबिक सिविक पॉलिटिकल कल्चर इज मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर. आजकल की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं हमें उसमें सिविक कल्चर नजर आता है. ब्लेंड ऑफ पार्टिसिपेंट भी आता है. अवाम चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट हो लेकिन हकूमत सिविक देती है. यही चीज एरिस्टोटल ने कही थी. एरिस्टोटल ने जब हमें पॉलिटी का कंसेप्ट दिया, मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट दिया, दैट द बेस्ट गवर्नमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. तो उसका मतलब क्या था? ओलिगार्की एक रिच एलीट ग्रुप होगा, वेल्थी एलीट एजुकेटेड ग्रुप होगा जो कि ऑर्गेनाइज्ड होगा एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, क्योंकि उसमें इतनी अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है. तो अभी भी अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो देर इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की. वो हम फिर किसी और लेक्चर में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बट यू कैन रिलेट एरिस्टोटल्स थ्योरी विद सिविक पॉलिटिकल कल्चर. तो ये पॉलिटिकल कल्चर की टाइप्स हैं. उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो चुका होगा.